बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रोज न्यूज के साथ मैं हूँ हाफिज नजम साकिब, शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अपोजिशन किस मुंह से हुकूमत पर तनकीद कर रही है, हुकूमत को माली खसारा विरसे में मिला, मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम रास्ते बंद कर देंगे, गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहा आज अपोजिशन के तमाम बेंचेस खाली हैं। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान बजट की वजह से बोलना नहीं चाहता था, नून लीग के सदर ने दुख भरी तकरीर की थी, उनको ये भी बताना चाहिए था कि रुपए की कदर कम क्यों हुई। साबिक हुक्मरानों ने मुल्क से पैसा बाहर भिजवाया, वज़ीर आज़म की बजट पास होने पर पार्टी को मुबारकबाद, हम्माद असर की कारकर्दगी पर खुशी का इजहार। पिशावर में फिर टारगेट किलिंग, नामालूम मसल्ला अफराद की गुलबहार के इलाके में फायरिंग, एएनपी पिशावर सिटी के सदर सरताज खान जाबहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर मोहम्मद शहबाज शरीफ का पीएसी के चेयरमैनशिप छोड़ने का ऐलान, कहते हैं पार्टी फैसला कर चुकी कि राणा तनवीर पीएसी के चेयरमैन होंगे, मैं पार्टी के फैसले का पाबंद हूं, पार्टी ख्वाजा आसिफ के पार्लियामानी लीडर होने का फैसला भी कर चुकी। बजट की मंजूरी ऑपोजिशन की शिकस्त है, मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिक आवाम का ट्वीट, कहा हुकूमत मुल्क कौम के मफाद में हर कदम उठाएगी, ऑपोजिशन को हर महाज पर शिकस्त होगी, बजट खुशहाल खुद इनसार और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की मंजिल की तरफ कदम है। वजीर आजम इमरान खान का बाबर आवान को दोबारा काबीना में शामिल करने का फैसला, जराए के मुताबिक बाबर आवान को मशीर बराए पार्लियामानी उमूर बनाया जाएगा। FIA ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राणा मसूद को अमरीका जाने से रोक दिया, साबिक सूबाई वजीर कतर एयरवेज की परवाज से अमरीका जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे तो FIA इमिग्रेशन हुकाम ने लीग की रहनुमा को अमरीका जाने से रोक दिया। हुकाम के मुताबिक राणा मसूद का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल है, नैब लाहौर ने पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल तहकीकत में राणा मसूद को जाती हैसियत में 8 जुलाई को तलब कर लिया। एक सौ ग्यारहवीं मिडशिप मैन और 20वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड, सऊदी बहरिया के सरबरा वाइस एडमिरल फहद बिन अब्दुल्ला मेहमान खुसूसी थे, तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक 77 मिडशिप मैन 98 शॉर्ट सर्विस कमीशन कैडेट्स पास आउट हुए, पास आउट होने वालों में बहरीन के 2, कतर के 7 और सऊदी अरब के 3 मिडशिप मैन भी शामिल, मिडशिप मैन तलहा मसूद ने एजाजी शमशीर हासिल की। और सच बोलने की हिम्मत नहीं तो इंसाफ भी ना मांगे, सच के बगैर इंसाफ नहीं हो सकता, चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के मुल्जिम की बरियत के खिलाफ नजरसानी अपील खारिज कर दी, कहा पहले कभी मंशियात और दहशतगर्दी के मुकदमात में अदालतों का रवैया बड़ा सख्त होता था, आजकल करप्शन के खिलाफ अदालतों का रवैया बड़ा सख्त है।